तो स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में आज है थर्ड अगस्त और आज हम लोग जानेंगे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में अगस्त हर साल ये फर्स्ट वीक को मनाया जाता है, आज हम जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं फॉर बेबी एज वेल एज फॉर मदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर इनिशिएटिव माँ उसके बारे में भी जानेंगे टूडेज सिंपली एक्सप्लेन जो लेट गेट स्टार्ट जैसे कि मैंने कहा कि यह ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल अगस्त में फर्स्ट टू सेवेंथ अगस्त तक मनाया जाता है इस साल की थीम एम्पावरिंग पेरेंट्स एंड एनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग यहां पर मदर फादर और सोसाइटी का रोल हाईलाइट करता है इनका रोल इंपॉर्टेंट बनता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग दे शुड प्रोवाइड अटिव एनवायरमेंट

एडिकुएट फूड न्यूट्रिशियस फूड सपोर्ट करना है ब्रिस्ट मिल्क के साथ में एट इज सेड दैट इट इज द फर्स्ट वैक्सीन टू अ बेबी विच इज रिच इन प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबिलिन्स सिक्रेटरी आई जी ए दैट इज एन एंटीबॉडीज इन एडिशन टू बींग अबेंडेंटली रिच इन द क्वालिटीज इसमें एंटीबॉडीज भी होते हैं एंजाइम्स भी होते हैं हार्मोन्स भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम बच्चे की बेबी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है अगेंस्ट वेरियस रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन इट इज ऑब्जर्व दैट इट रिड्यूस द एलर्जी और एग्जेमा एज वेल सबसे इम्पोर्टेंट ये पाया गया है स्टडीज में कि जो बच्चे ब्रेस्ट फेडेड है एडिकुएटली ऑप्टीमल लेवल पे उनका इंटेलिजेंस लेवल भी हाई लेवल पे होता है तो ये ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मां इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट किया उसका एम वही है टू फोकस अपॉन द प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोविजन ऑफ काउंसिलिंग सर्विसेज और सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू एन हेल्थ सिस्टम उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं कि दे शुड बिल्ड एन एनेबलिंग एनवायरमेंट वेयर ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू एन अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज

ई रेट्स ऑफ ब्रेस फ्रीडिंग अलॉन्ग विद प्रोसेसिस इन प्लेस ऑफ लैक्टेशन मैनेजमेंट तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माई इनिशिएटिव जिसका नाम है मदर्स एफ एफिक्शन शॉर्ट में माई इनिशिएटिव का बेनिफिट क्या होता है बेबी के लिए और फॉर मदर के लिए अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट फॉर द बेबी बॉर्म रिमेंबर साइकोलॉजिकल कम्फर्ट क्रिएट करने के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट फॉर द बेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट और यह सबसे पहला टास्क है ब्रेस्ट फीडिंग का कि इट जनरेट्स अ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इट हेल्प्स इन अर्ली सिक्रिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग फर्स्ट मिल्क टू द बेबी कैन प्रोटेक्ट अ वाइटी ऑफ डिसीजेस हेल्प मदर एंड बेबी टू डेवलप अ क्लोज एंड लविंग रिलेशनशिप डिक्रीज रिस्क ऑफ इलनेसेज सच आज डायरिया निमोनिया ईयर एंड थ्रोट इन्फेक्शंस एज एसिड इंटेलिजेंस भी इंप्रूव होता है और ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये काम आता है इसका बेनिफिट सिर्फ मदर के लिए सिर्फ बेबी के लिए नहीं है मदर के लिए भी होता है जैसे कि इट हेल्प्स द वर्म टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लासेंटा इज एक्सपेल्ड वेरी इजीली एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग इट रेड्यूस वेरी इंपॉर्टेंटली द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यूटराइन कैंसर एंड ओवर इन कैंसर लेजें चाइल्ड स्पेसिंग प्रमोट्स पोस्टमार्टम वेट लॉस एंड कॉस्ट लेस टू फीड द चाइल्ड दैट्स वाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फीड द चाइल्ड सो ये ओवरऑल है वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वीक के बारे में जो मनाया जाता है फर्स्ट टू सेवेंथ अगस्त, एवरी ईयर आई होप ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यूजफुल रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यू विल मीट अगेन इन टू नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन टिल दिन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग